नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारा YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के क्लास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UN ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों लास्ट दो क्लासेस में भी यही कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं, तो लेकिन आज के क्लास का डिफ्रेंशिएट कुछ अलग है, क्योंकि आज के क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो आप सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, जिससे आप सभी को बहुत बेनिफिट हो सकता है आपके आने वाले SSC CPO एग्जाम और आने वाले SSC FCA के एग्जाम में भी आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए नज़र डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप सभी के सामने पहले आपका यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन UN, जिसका फाउंडेशन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क USA। उसके बाद हुआ था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस एमरजेंसी फंड UNICEF, जिसका आपका फाउंडेशन ईयर है 1946 एंड सेम हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क USA। उसके बाद है आप सभी का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो कि UNFPA, जिसका फाउंडेशन ईयर है आपका 1971, सेम हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि आप सभी का 1945 एंड फाउंड हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क USA। दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिसका हेडक्वार्टर एक है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं मिक्स करके आप सभी के लिए बनाई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इसलिए आशा करूँगा क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड तक देखोगे, बीच में छोड़ के बीच में स्किप मत करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे आप सभी के लिए है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC USA पे एस्टेब्लिशेड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आपका जो कि फाउंडेशन ईयर है सेम 1945 एंड वर्ल्ड बैंक का आपका है 1944, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाएगा आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। दोस्तों मैं आप सभी को पहले क्लासेस में बोला था जहाँ पे फूड आ जाता है वहाँ पे आप सभी का कॉमन आपका हेडक्वार्टर होगा जो कि इटली है, जो कि रोम पर एस्टेब्लिश है। इन दोनों का फाउंडेशन ईयर अगर मैं आपको सभी को समझाऊँ तो आप सभी का आ जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का 1961, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा FAO का 1945। समझ पा रहे हैं, क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका SSC CPO एंड FCA AG ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 एग्जाम के लिए। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट UNH, जो कि नैरोबी केनिया इसका हेडक्वार्टर है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका 1978 है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 1978 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। इसके बाद और एक क्लास आएगा, दो क्लास, जिसमें आपको मतलब MCQ लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, वही सेम चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, बहुत सारा सोर्सेज से कलेक्ट किया गया है, जितना हार्ड से हार्ड हो सके आप सभी के लिए प्रेजेंट किया गया है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें देखते हैं। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्या होगा किसी को पता है, जल्दी से बोलो 1964। उसके बाद आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका है आपका 1948, सेम चीज़ बोलूँगा, हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड पर है। इसके बाद आ जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जिसका फाउंडेशन ईयर है आपका 1919। उसके बाद इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसका आपका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, फाउंडेशन ईयर 1863। दोस्तों साल बोल रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर जितने भी देखिए स्विट्जरलैंड का यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा फाउंडेशन से इंटरनेशनल फाउंडेशन जिसका हेडक्वार्टर एक ही प्लेस पर है, स्विट्जरलैंड पर, इसलिए मैं एक ही प्लेस पर रख दिया हूँ जिससे आपको हेल्पफुल हो जाएगा। पहले वीडियो में मैं बोला था आपको लिए ऐसे कॉन्सेप्ट लाऊंगा करके। उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसका फाउंडेशन है 1995। जो कोई भी क्लास देख रहे हैं, जितने भाई बहन क्लास देख रहे हैं, इसका नोट्स बनाते चलना, इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, लेकिन ये जो ईयर मैं बोल रहा हूँ आप सभी को ढूंढना पड़ेगा, गूगल में ढूंढना पड़ेगा कुछ कहीं तरीके से, लेकिन यहाँ पर ही डायरेक्ट मेंशन कर दे, नोट्स बनाते चलो दोस्तों।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका है आपका 1950 फाउंडेशन ईयर, हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड पर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बहुत सारे चीज़ें आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है, फिर आते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO 1967 दोस्तों, कितना 1967, इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड पर है। इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO दोस्तों, बहुत सारे इक्विपमेंट्स में, बहुत सारे मटेरियल्स में आप देखे होंगे ISO का सिंबल रहता है। इसका बहुत ही सिंपल एंड बहुत लॉजिक क्वेश्चन है। ठीक है, SSC में, FCI में आने वाले टाइम पर बहुत सारे सवालों में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जनरल नॉलेज से आता है। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका है हमारा 1947, जिस साल हमारा देश स्वाधीन हो रहा था उसी साल ISO का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। ठीक है दोस्तों, 1947 बोलना मत। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम्स UNAIDS, जो कि आपका एड्स होता है, पता है ना, उसके डिजीज के बारे में, HIV के बारे में, ये सब चीज़ों का अवेयरनेस ये फैलाता है। ये जो यूनाइटेड नेशंस है इस काम के लिए करता है। इसका फाउंडेशन ईयर है 1996 दोस्तों। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आप सभी को ISO के बारे में याद रखना पड़ेगा। बहुत ही बार देखा गया है SSC का CPO में, CHSL में, CGL में, और इसी साल तो FCI भी अपना रिक्वायरमेंट निकाल दिया है, जो कि नोटिफिकेशन आपको दे दिया हूँ, और आप सभी के पास उसका स्ट्रेटेजी वीडियो, एग्जाम प्लानर पहुँच गया होगा, उसके बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये सब चीज़। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल जस्टिस, मतलब ICJ द ह्यूज द नेदरलैंड पर है। ठीक है दोस्तों, इसका फाउंडेशन ईयर कब है, 1945 पर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन, इसका भी हेडक्वार्टर आपका नेदरलैंड में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब होगा, किसी को पता है, जल्दी से बोलो, 1997 पर। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी UNU टोक्यो जापान पर है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, बोलो आप जल्दी, 1972 पर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लास कैसा लगा ज़रूर बोलना हमें कमेंट में। अगर यहाँ तक आप आ चुके हो, क्लास देख रहे हो, तो ज़रूर एक काम कर देना, एक लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, स्किप वीडियो मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही मेहनत से हम बनाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को दोस्तों, यूनेस्को के बारे में आप सभी को मैं पहले क्लास से भी बोलता आया हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेरिस जो फ्रांस है, इसका हेडक्वार्टर है। इसका एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों कब हुआ था, 1946 पर। दोस्तों इसी क्लास में यूनेस्को के बारे में आप सभी को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो यूनेस्को था ना दोस्तों, इसमें इंडिया फाउंडेशन मेंबर के हिसाब से काम करता है। आप सभी को जान के ये हैरान होगा, या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में इंडिया एक फाउंडेशन मेंबर के हिसाब से काम करता है दोस्तों। ठीक है, इंडिया फाउंडेशन मेंबर के हिसाब से काम करता है, जो कि इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आप सभी को पता चल गया। ठीक है, और इंडिया से वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि ये सब वाला चीज़ है, इसका 40 ऐसा पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया से यूनेस्को साइट में ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, जिसके हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस पर है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1948। देखिए दोस्तों, यहाँ तक अगर आप क्लास देख रहे हो, 10 मिनट का क्लास होने वाला है, आप अगर क्लास देखे हो जो भी मैं हेडक्वार्टर इक्वल रहता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर ही 2-3 इसी रेडियस में रहता है। ठीक है, आपको याद करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, हेडक्वार्टर मिल गया, फुल फॉर्म मिल गया, और क्या चीज़ चाहिए दोस्तों आप सभी के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ला दिए हैं, तो जल्दी से जल्दी एक लाइक ठोको दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्लास में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स ऑफ साइट ICOMOS, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1965, एंड हेडक्वार्टर आपका पेरिस एंड फ्रांस पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर क्लास अच्छा लग रहा है, एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को M2Success98 को। आने वाले वक्त में भी आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे लाजवाब चीज़ आने वाला है। ठीक है, अभी चलिए UNIDO यूनाइटेड नेशन
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया पर है। इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या हो सकता है आप सभी को पता है, कोई बोल सकता है हमारे व्यूअर्स से कोई अगर कमेंट कर सकता है तो बहुत ही लाजवाब लगेगा, 1960 है दोस्तों। उसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जिसका आपकी फाउंडेशन ईयर आप सभी को क्वेश्चन है और इसका आपका हेडक्वार्टर है वीना ऑस्ट्रिया पर, फाउंडेशन आप सभी को अगर पता है, अगर नहीं पता यहाँ पे बोल दूंगा 1957 पर है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं ओपेक, बहुत ही फेमस नाम है क्योंकि पेट्रोलियम जो भी स्टेट्स जो भी कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनका फाउंडिंग मेंबर्स है, ठीक है। ओपेक, ओपेक कब बना था, 1960 पर दोस्तों। देखिए 1960 ये वाला जो कि IAEA जो कि एटॉमिक एनर्जी 1957 है दोस्तों, यूनिडियो आपका 1960 है, ओपेक 1960 है। देखिए समझ रहे हो किस लिए मैं ये सब चीज़ों को एक मिक्स किया हूँ, और इसका क्या है हेडक्वार्टर भी एक ही प्लेस पर वीना पर, इसलिए बहुत सारे काम कर रहे हैं आपके लिए दोस्तों, तो आप सभी को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, ठीक है दोस्तों, क्या है आपका IMO जिसका हेडक्वार्टर आप सभी का लंदन यूनाइटेड किंगडम है UK, ठीक है। IMO का क्या होगा एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1959 दोस्तों। फिर उसके बाद आ गया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन लंदन यूनाइटेड किंगडम, इसका क्या एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो सकता है किसी को पता है, पता है तो जल्दी से जल्दी बोलो दोस्तों, जल्दी से जल्दी बोलना, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है 1931, ठीक है। उसके बाद एमेंस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट के ऊपर काम करता है, ह्यूमन राइट के ऊपर काम करता है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर लंदन किंगडम यूनाइटेड किंगडम है, एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका 1961 है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आशा करूंगा यहां तक आप सभी को क्लास लाजवाब लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका दोस्तों क्या, चलिए इसके बाद आ जाएगा कुछ अलग से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप सभी का नाटो हो गया, ठीक है, UPU हो गया। नाटो का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ब्रुसेल्स बेल्जियम पर है। नाटो का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब हुआ था, कोई बोल सकता है 1949 पर हुआ था दोस्तों। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जिसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड पर है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 1874 पर दोस्तों। उसके बाद आ जाते एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका जकार्ता इंडोनेशिया पर है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1967 में हुआ था दोस्तों। अपेक एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका क्वींसटाउन सिंगापुर में है। ओपेक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर हुआ था कब दोस्तों, कोई बोल सकता है 1989 पर हुआ था। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 पर हुआ था। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, बर्लिन जर्मनी पर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी जो कि आप सभी का 2009 पे हुआ था, इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी UAE पर है, ठीक है। उसके बाद साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC काठमांडू नेपाल पर है। इसका आपका एस्टेब्लिशमेंट ईयर हुआ था 1985 में, ठीक है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, इसका कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1948। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका 1961 में हुआ था दोस्तों। इसके बाद और बाकी दो चीज़ें उसको ख़त्म करेंगे, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इबेन मॉरिटियस, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों, कोई बोल सकता है 1997। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन साउथ अरबिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 दोस्तों। देखिए बहुत ही लाजवाब तरीके से आप सभी को लगभग आप सभी का 30+ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस सालों में, जितने सालों से आप सभी का ये सब चीज़ें पूछा गया है आप सभी को 15 मिनट क्लास में कवर कर दिया, इससे अच्छा आप सभी को शायद कहीं पे मिल सकता है। तो आपसे उम्मीद यही करते हैं आपका प्रिपरेशन बहुत ही लाजवाब तरीके से जारी रखिए, हमें बस इतना प्यार दीजिए जैसे कि
और भी इनोवेटिव करने के लिए आपके लिए हमें मोटिवेट मिले, इसके लिए आप एक लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एम टू सक्सेस 98 को। तो आशा करता हूँ आज के क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक क्लास देखिए और प्रिपरेशन जारी रखिए। जय हिंद।